की होया जी? कुछ नहीं हुआ, कुछ होना सही। ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मम्मी, मुझे ना आज अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा है। मतलब? मतलब ऐ है कि मुझे ना अपने पुराने वाले जगराते की रात याद आ रही है। अब शर्माने से क्या होगा, वो बात तो बीत चुकी है। लेकिन मम्मी, ये तो सच है ना कि हर मुश्किल में तू मेरे नाल खड़ी रही, मुझे इतना सोना, इतना सुंदर परिवार दिया। अभी तो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे, अच्छा वक्त हो या बुरा, मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। क्यों है मम्मी? दलजीत ही याद आ गई जी। ना मम्मी, उस खोते को क्या याद करना? कैसे ना याद करूं, बच्चा है वो मेरा, जन्म दिया है मैंने उसे। वो जन्म दिया है तूने, लेकिन उसके कर्म ऐसे नहीं है कि उसे मैं अपना बेटा माने। वो तो जितना उसे याद करेगी ना, उतना तेरा दिमाग खराब होना, इसलिए भूल जाओ उसे। इसी में हम सबकी भलाई है, समझी? आप सही कह रहे हैं जी। अमित पुत्र। जी दाई। तेरे डेकोरेटर्स कहाँ हैं पुत्र, कब आएंगे? डेकोरेटर्स अभी? लेकिन वो तो सुबह आने वाले थे ना। वो सवेरे आएंगे तो शाम के 5 बजे तक सब कुछ रेडी कैसे होगा, इसलिए मैंने अमित से कह के उन्हें अभी बुला लिया, ताकि अभी शुरू करेंगे तो शाम तक सब कुछ रेडी हो जाएगा। कब आएंगे? हाँ ओ ताई जी, ओ फोन तो कर ले उन्हें। आगे डेकोरेटर्स ले, आप ही का इंतजार हो रहा था, कहाँ रह गए थे आप लोग? क्या बात है, बड़ी हिम्मत आ गई, सबके सामने मेरा दुपट्टा पकड़ कर। बोलो बोलो क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तुम क्या ही बोलोगे, कभी कभार तो रोमांटिक होते हो। अरे अब छोड़ भी दो, मम्मी जी आ गई तो। चोर का गुलाम ही रहेगा हमेशा। क्योंकि कल शाम 5 बजे तक सब कुछ रेडी चाहिए, वरना बिना डेकोरेशन के शादी कैसे होगी। हाँ, है ना जी, ध्यान में रखना आपको। हाँ जी, ताई जी कह रही है कि अगर डेकोरेशन नहीं होगी तो शादी कैसे होगी, लेकिन अगर मैं डेकोरेशन ही खराब कर दूं तो, अगर कुछ ऐसा कर दूं कि डेकोरेशन हो ही ना पाए, अगर इस घर की दीवारें डेकोरेशन लाइक बचे ही ना तो। इस घर में आज भी केरोसिन रखा जाता है और माचिस तो है ही, तो देर किस बात की। शुरू करते हैं इस घर की बर्बादी का कार्यक्रम, तो शुरुआत तो परी से होनी चाहिए ना। मौका भी अच्छा है, ये सब लोग अभी जागो के लिए चले जाएंगे, आज की रात जो होगा उसके बाद सालों तक इन्हें नींद नहीं आएगी। दी, तू चल रही है हमारे साथ? नहीं बबली, घर में किसी ना किसी को तो रहना होगा ना, और मम्मी जी भी यही चाहती है कि मैं घर पर रहूं, इसलिए तुम लोग जाओ। अच्छा एक बात पूछूं? क्या? पहले तो प्रॉमिस कर तू झूठ नहीं बोलेगी। अरे ऐसी क्या बात है? है कुछ तो पहले प्रॉमिस कर। अच्छा ठीक है पूछ। परिक्रमा में चीजों के साथ तू नहीं थी ना? लेकिन तू आज ये सब क्यों पूछ रही है? समझ ले ये पूछना जरूरी था, तू बता ना, बोल ना दी, दी प्लीज बोल। अच्छा ठीक है, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, प्रॉमिस कर। ठीक है प्रॉमिस, अब तू बता। तूने सही कहा, मेरे पहले जो लड़की घूंघट में परिक्रमा कर रही थी वो नीति थी। तूने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? तू मुझे तो बता सकती थी। नीति ने बहुत देर कर दी बबली, अब मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। भाभी
दो सेकंड लेना, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि आपके होने वाले पति मेरे वीर शहंशाह संजू पधार रहे हैं। परी, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखें शादी से पहले, बट कोई भी रस्म मुझे तुम्हारी केयर करने से नहीं रोक सकती। पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम जानते हो ना। मैं जानता हूँ ये बात, बट तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने कोई रस्म नहीं तोड़ी है, क्योंकि मेरी आंखें बंद है। और अगर तुम्हें डाउट है ना, तो तुम मोंटी और बबली से पूछ सकती हो। क्यों मोंटी? हाँ भाभी, एकदम बंद है। बबली? हाँ दी, बंदी है। अच्छा बबली, ये मैं परी के लिए दूध और मल्टीविटामिंस लेकर आया हूँ। वैसे तो मैं ये मोंटी के हाथ भिजवा सकता था, बट यू नो मोंटी कैसा है। अरे धीरे दी। खत्म किया? हाँ। गुड गर्ल। अच्छा मैं और मोंटी ना मार्केट जा रहे हैं, तो तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं रूम में। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, और तुम उसे किचन में रख देना। रूम में नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। अच्छा मोंटी, मुझे लेके चलना, मेरी आंखें बंद है। हाथ धो। दी, अब तक तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और जीजू तेरी इतनी केयर कर रहे हैं, लग तो यही रहा है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। पप्पी चुप कर, क्या बोल रही है, जा यहाँ से। जा। मैं क्यों जाऊँ? शर्मा गई थी। अरे मुझसे क्या शर्माना? पप्पी तू बाय। ठीक है, मैं जा रही हूँ आसपास के घरों में इनविटेशन कार्ड बंटवाने। बाय। अब जैसे ही सब लोग बाहर जाएंगे, मैं आग लगा दूंगी। ओ ताऊ जी, हमसे तो कुछ नहीं करवाएंगे ना? कोई हमसे करवाना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन इन चिढ़ाने का कोई भरोसा नहीं है, कोई अपने पति से ना कुछ भी करवा लेते हैं। ताऊ जी, हमारे सर पे मटके कैसे? कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, हल्का सा देती हूं। ले, पकड़ ले। बस 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 बस, हो गया भाई, चले। क्या चले? आप दोनों को भी ये सर पे रखना है। हमारे सर पे क्यों? मजाक कर रही हूँ। चलिए चलो 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 चलो। अब तुम लोग चलो, मैं आती हूँ एक मिनट में। ठीक है। सुनो, आप लोग ना 15-20 मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे यहाँ पर एक रस्म करनी है जिसमें मेरा अकेला रहना जरूरी है। ठीक है?
थी, मैं तुझे ढूंढ रही थी। यही थी? मैं शादी की तैयारियां कर रही थी बेबी। क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बेबी आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं पागल हो गई हूँ? अरे तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है, मैं क्यों ऐसे सोचूंगी भला। लेकिन तूने किया क्या है बेटा? सब कुछ प्लान किया है, सब कुछ। क्या? मैं सबके जाने का वेट ही कर रही थी बेबी, एक बार ये सब चले गए तो फिर मैं अपनी चाल चलूंगी, बाकी फिर परी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। कौन सी चाल? स्वाहा। मोंटी सच बताऊं तो यार मैं बहुत डर गया था। मतलब? मतलब मुझे लगा था कि नीति शादी में कोई बवाल ना करते है। भगवान का शुक्र है कि नीति समझ गई कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अच्छी बात है ना वीरा, वरना अपनी शादी में आप टेंशन में रहते और अब देखो कितने रिलैक्स्ड हो। हाँ रिलैक्स्ड तो हूँ, बट मोंटी मैंने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता चले, बट शायद नीति ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा और उसका रिश्ता आगे चले, तभी तो खुद को मुझसे दूर करती चली गई। और आप परी भाभी के करीब जाते रहे? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, मैं तुम्हारी केयर करना नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी मर्जी चलाती हो। थैंक यू पापा जी, राजीव को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए। भगवान का शुक्र है कि परी मेरी जिंदगी में आई। मोंटी वो कितनी सिंपल और कितनी सॉर्टेड है यार, और उसके आने से पूरा परिवार खुश है, और परिवार की खुशी में ना मेरी खुशी है। अमित तू क्या जनानियों की तरह धीरे धीरे चल रहा है? छिटी छिटी जा और सबको घर से बाहर बुला, हम सबको न्योता दे सकेंगे कि हमारे घर में शादी होने आना है। ताईजी से बाहर से अच्छा लगेगा क्या? अरे वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि सबके घरों में जाके उन्हें इनवाइट कर सके। जा। हाँ, चल। नमस्ते। नमस्ते जी, कल ना मेरे देवर की शादी है तो आप लोगों को ना। एक मिनट, सबसे पहले लड़के की माँ को न्योता देने थे, उसके बाद हम सब देंगे। आ जा गुरिंदर। बहन जी कर मेरे पुत्र का ब्याह है। अरे वाह। 7:30 बजे का मुहूर्त है, आप लोग आइएगा जरूर। मुबारक हो गुरिंदर बहन जी, हम जरूर आएंगे। अब जाओ। नमस्ते जी, कल ना मेरे देवर की शादी है, 7:30 बजे का मुहूर्त है शाम का, सबको जरूर आना है। आपको भी जी। आइएगा जरूर। हाँ अरे मैं वो हल्दी वाली थाल लाना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। स्वाहा? हाँ क्या मतलब, आपको समझ में नहीं आया सच में? अरे क्या सा झूठ लगा के रखा हुआ है, बताना मतलब क्या है तेरे स्वाहा का? अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी शतरंज का खेल खेला है? खेला है, रोज खेलती हूँ, पर तुम बच्चों के जैसे हाथी घोड़े से नहीं, इंसानों से खेलती हूँ, जीते जागते इंसानों से। बोल। आपको मजा तो आता होगा ना ये खेल खेलने में? तू मेरा इंटरव्यू ले रही है क्या? तेरे को बताना है तो बता, नहीं बताना तो जाने दे फिर। अच्छा, शतरंज में हर प्यादे की अलग चाल होती है बेबे, जैसे राजा सिर्फ सीधा चल सकता है, घोड़ा 1, 2 और 2.5 कदम चलता है, वैसे ही हाथी की अलग चाल और प्यादे की अलग। सुन सुन सुन, ये तू शतरंज की चालें सिखा रही है मुझे? देख मुद्दे की बात बता, मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है बेबे कि जैसे शतरंज में रानी होती है, वैसे आप समझ लीजिए कि मैं रानी हूँ, और रानी की तरह मैं अपने राजा की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दूँ। मैं अपने राजा के लिए किसी से भी टक्कर ले सकती हूँ बेबे, और उसे बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ। जान ले सकती हूँ मतलब? ताई जी ने ना डेकोरेटर्स को बोला है कि कल शाम तक इस घर को सजा दें, पूरा डेकोरेट कर दें। उन्होंने ये भी कहा बेबे कि जब तक डेकोरेशन नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी। आप सोचिए अगर मैं इस घर को ही जला दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ना ये घर होगा, ना डेकोरेशन होगी, और क्या, और दुल्हन भी नहीं होगी।
परेशान भी नहीं होगी? मैंने परी के कमरे में केरोसिन डालकर उसे बाहर से बंद कर दिया है। चिंगारी जो मैं लगाकर आई हूँ अब तक तो आग बन गई होगी ना, लगकर देखना पड़ेगा। बेबे पर आप टाइम से निकल जाना, वरना क्या पता परी के साथ साथ आप भी। चुप कर, शुभ शुभ बोल, ऐसी डरा रही है मुझे, क्या बकवास कर रही है? बेबे सही बोल रही हूँ मैं, अब देखिए आपको क्या पता कि आप मेरे साथ हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या बात है नीति, तू तो मुझसे भी दो कदम आगे निकल गई भाई। अरे इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी, इसी दिन का। आज इस घर के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में ना बस मातम छा जाएगा, यहाँ रोना धोना चिल्लाना। क्या बात है, बेबे तुसी अभी तक इत्थे हो? हाँ मैं बस अभी जा ही रही थी, पर तू क्यों वापस आ गई पम्मी? अरे वो हल्दी की थाल में भूल गई थी, वही लेने आई हूँ, आप चलो मैं लेकर आती हूँ। हाँ 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 जरा जल्दी आना। हाँ पम्मी। क्या बात है पम्मी, तेरी तो मौत ही तुझे यहाँ पर खींच के ले आई। चलो भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। नीति ने चालें चलना किससे सीखा है? मुझसे। अरे मैं ही तो उसकी गुरु हूँ। अब आज वक्त आ गया है नीति का मुझे गुरु दक्षिणा देने का। ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? ये तो वही चिंगारी है जो मैं लगा के आई थी। को देखने की जरूरत तो नहीं है, इस आग में जलकर मर जाएगी वो। आग! बचाव! बचाव! सब कुछ खत्म हो जाएगा परी, सब कुछ। मुझे कुछ तो करना होगा। इसे बुझाने की कोशिश करती हूँ। हल्दी किथे है? ये महुआ भी ना सारी चीजें कहाँ रख देती है? ये रहा,
अब आरती की थाल। मौवा को समझाना पड़ेगा सारी चीजें सही जगह रखे। ये रहा। ताऊ जी एक बात तो है, अगर घर पे कोई शादी या फंक्शन हो ना, घर का माहौल कितना अच्छा हो जाता है, कितनी रौनक होती है घर पे। देखो सारे कितने खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ पुत्र, ऐसे माहौल में ना हम अपनी सारी टेंशन को ना भुला देते हैं। ओए तू संजू को फोन दे लगा, वो कब तक वापस आएगा, कल उसकी शादी है। और मैं भी मेहरा साहब से बोल देता हूँ 5-7 दिन के लिए ना उसे कम से छुट्टी दे दे। और 7 दिन क्यों ताऊ जी, उसने तो प्लान ही नहीं बताया आगे का। ओए शादी के बाद थोड़ा घूम के आएंगे, एक साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे तो अच्छा रहेगा ना। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उन दिनों में उसे कम की कोई टेंशन ना हो, ऑफिस की कोई टेंशन ना हो। बात तो सही है ताऊ जी आपकी। बहन जी कल मेरे पुत्र का ब्याह है तो आप तय परिवार आइएगा, भूलिएगा मत। जी शादी घर पर ही है तो एकदम टाइम से आ जाना, 7 बजे का मुहूर्त है। चले मम्मी जी। हाँ हाँ चल। ये धुआं कैसे निकल रहा है मम्मी जी, क्या हो रहा है? ताऊ जी की आग लग गई। अरे बाबा, ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया। दुआ कैसे? बउआ ताई जी, ताई जी किचन में आग, आग कैसे लगी? पानी। चल आप लोग रुको। ध्यान ना वो आग लग गई। ध्यान से आग। परिधि भी तो अंदर ही थी ना। मम्मी भी तो हल्दी की थाली लेने अंदर गई थी। अरे बाप ये क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? मैं अंदर ही थी, अचानक ये। ताऊ जी क्या हुआ है, घर से धुआं क्यों निकल रहा है? हम जागो के लिए गए थे और देखा घर से धुआं निकल रहा था, लौट कर आए, ताऊ जी ने दरवाजा खोला तो आग ही आग घर में। सबसे पहले मेरा ध्यान गया था, मैं अंदर चली गई लेकिन परी मुझे कहीं नहीं मिली। परी अंदर थी, मुझे लगता है शायद मम्मी के साथ कहीं बाहर रह गई ना। मम्मी अंदर ही है बेबे, अगर बाहर होती तो हमारे साथ होती। इसका मतलब ताई जी और परी दोनों अंदर है। मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या कर रही है? बीजी आप एक काम करो, आप फायर ब्रिगेड को फोन करो, मैं अंदर जा रहा हूँ प्लीज। नहीं नहीं पुत्र नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी, पागल हो गया तू? तू परी के लिए अपनी जान दे देगा क्या? प्लीज ताई जी और परी को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। फायर ब्रिगेड को फोन लगा। क्या करूं मैं, क्या आग तो बढ़ती ही जा रही है। कोशिश कर रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना प्लीज। आग बहुत तेज है ताई जी। ना पुत्र ना, तू अपना ध्यान रख,
मैं ठीक हूँ। यहाँ पर आग बहुत तेज है, घर पे कोई भी नहीं है, तू यहाँ मत आ, हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। बचाओ, कोई है? बचाओ, भाग भी आग लग गई, बचाओ! किचन में ही है, मुझे उनके पास जाना होगा। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि मुझे क्या हो रहा है। कि भगवान, जाने आए हो ना मैं पर दीदी तुम बाहर मत आओ, बाहर बहुत आग लगी हुई है। तुम एक काम करो, तुम वॉशरूम में जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी मैंने कहा ना, प्लीज। नहीं संजू, दीदी तुम बाहर मत आओ, प्लीज समझो बात को। रुको रुको रुको, एक मैं काम करता हूँ, मैं अंदर आता हूँ, रुको 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 संजू, वही रहो। अपना बचा हुआ सामान लेने आई थी। नीति 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 नीति, आराम से हमें ना यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम एक काम करो, अलमारी से ना टाल निकालो, मैं आता हूँ। टाल निकालो, मैं आता हूँ।
एक मिनट। तुम क्या कर रहे हो? तो पकड़ो, हम मेरे पीछे भी शक हुआ। अच्छा एक मिनट, क्या हुआ इति? हमारी सेफ्टी भी जरूरी है। ध्यान से सच्चू, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम कहाँ देख रहे हो? तुम किसी को ढूंढ रहे हो? परी को। बचाओ! ताई जी, हे बाबा जी, मुझे कुछ भी करके ताई जी को बचाना होगा। तूने क्या पुत्र? ताई जी, क्या बचाना? परी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? परी, परी कहाँ हो तुम? संजू तुम अपनी फिक्र करो, यहाँ सारी जगह आ गए, वो जहाँ पर भी होगी ना सेफ होगी। ओके, बट उसको मैं ऐसे प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकता ना, क्या पता वो फंसी हुई हो। परी, परी कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? परी, परी कहाँ हो तुम? और तेज आवाज दो संजू, अब परी तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनने वाली। अब तक वो आग में जलकर राख हो गई होगी, और अगर नहीं हुई ना तो थोड़ी देर में हो जाएगी। सॉरी संजू, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ परी की यादें होंगी, और वो भी कुछ दिनों में मैं अपने प्यार से जलाकर राख कर दूंगी। मेरे संजू को अपना बनाने जा रही थी, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी ना, परी के साथ साथ उसके सपने, उसके इरादे सब खत्म हो जाएगा, सब खाक हो जाएगा। खत्म हो गया परी का किस्सा। परी! आग बहुत तेज है, जल जाएगी तो? जल जाऊंगी तो जल जाऊंगी ताई जी, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। आप वहीं रुकिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। ना पुत्र ना। कोई है? लगता है परी किसी मुसीबत में। दिमाग से काम लेने का है, और मैं भी अगर अंदर चला गया मैं ही फंस जाऊंगा, तो बाकी को बचाने के कोई तो होना चाहिए ना। मुझे नहीं पता अमित, कुछ तो करो। चंद्रिका, अंदर मेरी फैमिली है, तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। तुम्हें ये लगता ना मैं यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रहा हूँ? ये लो, मैं भी जाता हूँ अंदर। अमित, की कर रहे हैं पुत्र तू? ताऊ जी, इसको लगता है मैं यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ बचाने के लिए। ओ नहीं, ओ नहीं, ऐसा मत बोल। इस वक्त ना वैसे सबका दिमाग खराब है, गुस्सा करने से सारे काम बिगड़ जाएंगे पुत्र, ठंडे दिमाग से काम ले। और चंद्रिका, तू तो समझदार है, तुझे क्या हो गया? ओए अमित, अभी जोश में, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। हमसे जो हो सकता है ना हम सब कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम अंदर गए ना तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, परेशानी और बढ़ जाएगी। तो फायर ब्रिगेड को फोन किया तू? फायर ब्रिगेड आ रही है। चल ठीक है। हे भगवान जी, मेरी परी की रक्षा करना, मेरे घर वालों को कुछ नहीं होना जी। तू उधर ही रह, यहाँ मत आना पुत्र, तू प्रेग्नेंट है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी पुत्र, तू जा यहाँ से, किसी और को बुला ला। ताई जी, यहाँ कोई नहीं है ताई जी, सिर्फ आप और मैं ही है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, और मैं आपको आग में ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाली, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप वहीं रुकिए ताई जी, मैं कुछ करती हूँ। दूर रह।
आग बुझाने की कोशिश कीजिए। एक बार मैगजीन में पढ़ा था, बेकिंग सोडा से भी आग बुझाई जा सकती है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा बबली। देखो ना आग कितनी फैल गई और मेरी दी अंदर है बॉडी, वो कैसे बचेगी यार? यार अरमा मेरी दी के साथ ही क्यों हो रहा होता है ये सब? बबली अभी तो खुशी आ रही थी उसकी लाइफ में, अभी आग लग गई बॉडी। पक्का पक्का ये आग ना नीति दी की वजह से लगी, उन्होंने ही कुछ किया होगा बॉडी। अब छोड़, नीति भाभी ऐसा क्यों करेगी, क्यों लगाएगी आग? ऑंटी उन्हीं की बुरी नजर लगी होगी, उनकी शादी टूट गई ना, इसलिए वो यही चाहती है कि मेरी दी और जीजू के साथ बुरा ही होता रहे। उन्हें लगता है मेरी दी आई थी बीच में उन दोनों के, लेकिन वो आई थी बीच में। स्टार्टिंग से इस घर की बहू बनने की हकदार मेरी दी ही थी। मोंटी मोंटी प्लीज कुछ करो यार, मेरी दी को बचाओ, वरना मैं जा रही हूँ अपनी दी को बचाने। बच्चों जैसी बातें मत करो, आग लगी है तुम उधर जाके क्या करोगी? और प्लीज काम डाउन, भाई गया ना वहाँ, वीरे बचा लेगा भाभी को, और आई एम श्योर अभी तक बचा लिया होगा वीरे ने। अब ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ ताई जी। हम ऐसे तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमें कुछ तो सोचना होगा, और अगर हमारे कपड़ों ने आग पकड़ ली ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन क्या, मैंने तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ताई जी अभी आपने इस पे क्या डाला था? बेकिंग सोडा, लेकिन थोड़ा सा ही था, खत्म हो गया है। ताई जी हमें कुछ और सोचना होगा, पर हम नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। लेकिन क्या पत्थर? अगर तुम बेटी हो के अपनी माँ के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती है, तो क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं कर सकती? जी आपका पूरा हाथ जल गया, आपको कितना दर्द हो रहा होगा। तेरे प्यार के आगे ये दर्द बहुत कम है। आई जी एक मिनट आप यहाँ आइए आराम से। ताई जी मैं ना इस पे हल्दी छिड़क देती हूँ, थोड़ी जलन होगी लेकिन घाव बढ़ा नहीं होगा। एक मिनट। मैं काम करता हूँ, पहले तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ, फिर आके परी को देख लूंगा। नहीं संजू, किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आना चाहिए परी को ढूंढने। अगर संजू अंदर आ गया तो घर में परी का पता लगाने में उसे कितना टाइम लगेगा, और परी को मुसीबत में देख के ये अपनी जान रिस्क में डाल के उसे बचा लेगा। हम क्या करें, नंगे पाँव तो तुम्हारे पैर जल जाएंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी संजू, ये सच पे पूरी टूट गई है, क्या करें? यही तो चाहती थी मैं संजू, जितनी केयर तुम मेरी पहले करते थे फिर से ही उतनी केयर करना शुरू कर दो। देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला है हमारे बीच में, बस
परी हमारे बीच में दीवार बन गई है। आज वो दीवार भी इस आग में टूट के बिखर जाएगी। फिर बस तुम होगे और मैं, सब कुछ पहले जैसा होगा। संजू, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ नीपी, बट मुझे ना परी की टेंशन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि है कहाँ वो। अच्छा संजू, हमारे बीच में सब कुछ कितना अच्छा था ना? ये सब क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं कि कुछ गलत हुआ भी है हमारे बीच में। सब कुछ पहले जैसा ही है। हमारे बीच में पहले जैसा कुछ नहीं है। अरे बकवास की बातें बंद करो। मेरा और तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है और कल मेरी शादी है परी से। परी, संजू, संजू क्यों है? सब ठीक है ना? अरे बाप, नीति तू ठीक है ना बच्चा? हाँ जी बेबे, संजू मेरे साथ है, इसने मुझे बचाया तो ठीक तो होना ही था ना। समान नहीं आई थी। संजू परी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? भाभी मैं भी कब से परी को आवाज लगा रहा हूँ लेकिन परी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ना ही उसकी आवाज आ रही है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहीं पे रहिए, मैं एक बार दोबारा परी को देख कर आता हूँ। संजू रुको, रुको, रुको। क्यों? पहले पानी पी लो प्लीज। नहीं नीति, मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना है। संजू, 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 संजू। वो सही कह रही, मेरी कल सुन, फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, वो लोग आ रहे होंगे। जल्दबाजी मत कर, जो करना सोच समझ के कर। मुझे ऐसे ही संजू का टाइम बर्बाद करना होगा ताकि जब तक संजू अंदर जाए तो वहां संजू को परी का नामो निशान तक ना मिले। फिर अभी सोचने का टाइम नहीं है। आग फैलती जा रही है और परी अकेली होगी, उसके पास कोई नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर परी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूं, तो मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं। पापा, ताईजी हम यहां से कैसे निकलेंगे? बता नहीं पुत्र, बचाओ, कोई है? कोई है? मोटी, राजीव, ताऊजी, वीरजी, कोई है यहां? अमित, संजू। की कर रही है तू? अगर कांच और दीवार ज्यादा गर्म हो गया तो टूटने का डर रहता है, इससे ये ठंडे रहेंगे। बचाओ, कोई है? राजी, मोंटी, ताऊ जी, वीर जी, कोई है? मैं भी तेरी मदद करती हूँ। पता नहीं कब तक कोई अंदर आएगा या फिर कोई आएगा भी या नहीं। ताई जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। राजी, संजू, उधर मैं तेरे अंदर जाने दे सकता? देख आग कितनी फैल चुकी है, अंदर खतरा है। पर ताऊजी मैं परी को अकेला किसे छोड़ सकता हूँ? ऑलरेडी मैंने उसका बहुत गलत किया ताऊजी, अब शादी करके अपनी गलती सुधार रहा हूँ, तो प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं परी को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। परी मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ताऊजी। मैंने उसे वादा किया था कि किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ताऊजी, मेरे को जाने दीजिए। एक मिनट, तेरी जान का क्या? नहीं बेटा, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी कौन जानता है कि परी अंदर है या नहीं है। हाँ प्लीज, बेबी सही कह रही है। क्या पता वो अंदर हो ही ना, वो बिल्कुल सेफ हो, बाहर हो, गार्डन में हो। गार्डन में होती तो यहाँ आ चुकी होती। वो यहाँ नहीं है मतलब वो अंदर है। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, सॉरी ताऊजी, मुझे जाना होगा। संजू, मुझे संजू को रोकना होगा वरना फिर से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ताई जी, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। हाँ, मैं अकेले? नहीं, तो पहले बाहर निकल। ताई जी, पहले मैं आपके बाहर निकलने में हेल्प करती हूँ और फिर आप बाहर जाने के बाद मेरी हेल्प कर देना। ना ताई जी, प्लीज। ताई जी प्लीज, चलिए आराम से, आराम से।
हैरान से ताई। चल आजा पुत्र, आजा। कैसे निकलेगे पुत्र? ताई जी आप प्लीज बाहर चली जाइए। ना पुत्र, तू यहाँ अकेले। ताई जी अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो कोई मेरी मदद के लिए अंदर कैसे आएगा? आप प्लीज चले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जाके किसी को बुलाती हूँ। पता नहीं संजू आया भी होगा कि नहीं। ताई जी अब बस फायर ब्रिगेड को फोन करके यहाँ पे बुला लीजिए। राजीव को यहाँ आग में मत भेजना प्लीज। ठीक है, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ मैं। तुम मानो ना मानो, पर जो कहर जो फिक्र मैं अपने लिए तुम्हारी आंखों में देखना चाहती थी, आज वो साफ साफ देख पा रही हूँ संजू। सब कुछ पहले जैसे ही तुम्हारे दिल में, बस हमारे रिलेशन में आई थोड़ी सी कड़वाहट ने दबा दिया है तुम्हारी फीलिंग्स को। आज भी प्यार करते हो तुम मुझसे? कोई बात नहीं, ऑइंटमेंट लगाते ही ठीक हो जाएगा। मोंटी, दीदी, बेबे, आप एक काम कीजिए, आप ही ऑइंटमेंट लगाइए नीति को, मैं परी को देखकर आता हूँ। संजू, तुम लगा दो ना, तुम ज्यादा समझते हो मुझे। नीति छोटा सा घाव है, बेबे लगा देंगे, कोई बात नहीं। अभी तो कह रही हूँ, तुम मेरे घाव पर मलहम लगा दो प्लीज। मैंने कहा ना कि बेबे लगा देंगे, मुझे परी को देखने जाना है। मैं परी को किसी भी कीमत पे खो नहीं सकता हूँ। और आ गया मजा। अरे पूरे घर में आग लगा दी, लेकिन मिला क्या? ये चोट, दर्द और संजू की धुतकार। सारी दुनिया जला सकती है तो इस आग से, लेकिन संजू का प्यार नहीं पा सकती। उसके दिल में अपने प्यार की आग नहीं जला सकती दोबारा, क्योंकि ये समझ ले कि संजू के दिल में परी के प्यार के अंगारे सुलग रहे हैं, जिसको बुझाना तेरे बस की बात नहीं है। बुझेंगे बेबे, और आज ही बुझेंगे। ये जो आग मैंने लगाई है ना, ये आग परी को जलाकर राख कर देगी। ऐसी मौत मरेगी ना वो आज, के उसे चिता पर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के शरीर को उनके मरने के बाद जलाया जाता है। लेकिन उसे कितनी लकी थी ना, कितनी किस्मत वाली थी परी। वरना आप ही बताओ, मरने से पहले किसका अंतिम संस्कार होता है? थी नहीं है, देखा नहीं उसका राजा कैसे तड़प रहा है अपनी हीर के लिए? उसकी हीर मैं हूँ बेबे, और हमेशा मैं ही रहूंगी। याद रखना इस बात को, और कोई भी परी संजू के दिल में मेरी जगह नहीं ले सकती, और कोई भी परी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। अच्छा चल छोड़, तेरे को मलहम लगा देती हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आपने देखा, जैसे ही मैंने आवाजें लगाई मैं चिल्लाई, संजू दौड़ता हुआ आया मेरे पास। उसने मेरी आँख बुझाई बेबे, कितनी केयर कर रहा था वो मेरी। मैंने देखा उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, वो मेरे लिए कितनी टेंशन में आ गया था। दर्द मुझे हो रहा था, लेकिन महसूस उसे हो रहा था बेबे। इसका मतलब समझती है ना आप? इसका मतलब तो साफ है कि संजू के दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। संजू अभी भी मेरी परवाह करता है बेबे। अब आप देखना मैं इस परवाह को कितनी जल्दी प्यार में बदलती हूँ। घर तोड़ा था ना उस परी ने मेरा, अब उसे पता चलेगा कि किसी का घर जलाकर अपनी जिंदगी आबाद नहीं कर सकती वो। उसने मेरी गृहस्थी में आग लगाई थी, तो मैंने उसकी जिंदगी में आग लगा दी। जैसे को तैसा, उसे उसके किए की सजा तो मिल ही थी बेबे। मैंने उसे उसके किए की सजा ही दी है। मम्मी,
कुछ करते हम करते मैं निकल पाई थी फिर वो फंस गई अंदर बेचारी उसे कुछ हो जाएगा देख ऐसे रोने से ना कुछ नहीं होना हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है तू एक मिनट रुक एक मिनट रुक संजू तू मेरा शेर पुत्र है ना जा अंदर जा अभी हम फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं कर सकते और परी की जान को खतरा है उसको कैसे भी करके बाहर लेके आ देख उसने कितनी बार अपनी खुशियों को दांव पे लगाया हमारे कार के लिए आज तेरी बारी है जा जाके बचा के लेके जा पुत्र जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये तो क्या बोल रहा है परी ने कुर्बानी दी है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि संजू की जान को खतरे में डालकर तो उसका बदला चुकाएगा नहीं नहीं मैं ऐसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी इसकी जान की जैसे कोई कीमत ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे तू बिल्कुल ठीक कह रही है आग इतनी भयानक है कुछ भी हो सकता है ऐसे में मेरा पुत्र ऐसी आग में अंदर कैसे जा सकता है परी के लिए क्या वो अपनी जान दे दे अरे अमित ने फोन किया है ना फायर ब्रिगेड को आने वाली है इतना टाइम नहीं है हमारे पास आग फैलती जा रही है कुछ भी हो सकता है परी की जान नहीं मैं परी की जान को कुछ नहीं होने दूंगा नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगी पुत्र मैं तुझे नहीं जाने दूंगी बेबे मैं जानता हूँ कि आप परी को पसंद नहीं करते लेकिन बात उसकी जान की है और अभी आप क्या मुझे कोई नहीं रोक सकता परी की जान बचाने से प्लीज मैं छोड़ो प्लीज देख लिया कैसे संजू गया है उस परी को बचाने के लिए चाहे दीजिए बेबे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो करना है करता रहे इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ हाँ बेटा सदमा तेरे दिमाग पर जो लगा है खुश तो होना ही था होश में जो नहीं है पानी में डालूं तुझ पर अरे वो तेरी सौतन को बचाने के लिए गया है सौतन नहीं अब वो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है तो उसको बचाने के लिए गया है तेरा प्यार और तू ऐसे हंस रही है जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता सच में लगता है पागल हो गई है तू बेबे इंसान जितनी जल्दी भरोसा अपनी आंखों देखी पर करता है ना उतनी जल्दी वो कानों सुनी पर नहीं करता संजू जब तक परी तक पहुंचेगा परी का खेल खत्म हो चुका होगा संजू जब खुद अपनी आंखों से उसे जलता हुआ देखेगा तभी यकीन करेगा बेचारा कि वो इस दुनिया में नहीं है दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है फिर वो अपना गम भुलाने के लिए किसके पास आएगा अपनी नीति के पास वाह बेटा वाह क्या बात है आज तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया आज तू एकदम मंझी हुई खिलाड़ी की तरह खेल खेल रही है क्या बात है अभी तक ना मैं तुझे एकदम कच्ची समझती थी कच्ची बच्ची लेकिन नहीं नहीं संजू और परी के धोखे ने तुझे एकदम पका दिया है वाह क्या बात है आज परी की जान सच में खतरे में लग रही है उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सब कुछ ऐसा जलकर खाक हो जाएगा उसके सपने जलकर खाक हो जाएंगे अरे कितना होशियारी के साथ वो कदम कदम बढ़ाकर शादी की मंजिल तक पहुंच रही थी लेकिन तूने आय हाय आय सारी बाजी पलट दी बेबे सांप सीढ़ी के खेल में जो सांप 99 पे होता है ना जब वो डसता है ना तो इंसान सीधा शून्य पे आ जाता है वही हुआ है उसके साथ और वो सांप तू है ना क्या बात है नीति बाजी मार गई तू क्या बात है बेबे क्योंकि जो मेरा है ना वो सिर्फ मेरा है मैं परी नहीं हूं जो अपने पति को किसी के भी साथ बांट ले इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी खुद की खुशियां अगर मैं खुश हूं तो सब कुछ अच्छा है और अगर मैं दुखी हूं तो मैं दुनिया भी जला सकती हूं वैसे अच्छा तो यही होगा कि संजू अंदर जा ही ना पाए एक बार बस उस परी की चीख सुन लूं ना तो मेरे दिल को चैन मिल जाएगा तू चिंता मत कर
आग इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि वो जा ही नहीं पाएगा। दाऊजी, दाऊजी फायर ब्रिगेड आ गई। दाऊजी, यहाँ तो आग बहुत फैल चुकी है। आप लोग देख क्या रहे हो? जाओ ना आग बुझाओ। हमारे फैमिली मेंबर्स अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। हाँ जी, हमको और मैन पावर चाहिए। इतने कम आदमियों के साथ हम इस आग पर काबू नहीं पा सकते हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है, उसे बाहर निकालिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए। वो देखो, वो आदमी अंदर घुस रहा है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। अंदर मेरी मंगेतर है, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी जान मेरे कीमती है, छोड़िए प्लीज। तुम बोल रही हो? एक टाइम पे तुम परी के ऊपर जान छिड़कती थी और आज उसे बचाने से रोक रही हो। शर्म आनी चाहिए नहीं थी तुम्हें। छोड़ मुझे। नहीं, कोई नहीं रोकेगा तुझे। ये हमारा घर है, यहाँ के फैसले हम लेंगे। आप लोग अपनी ड्यूटी कीजिए, इसे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। जा पुत्र, मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। जा। यहां से निकलना होगा, वरना मेरे बच्चे को। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा नीति और राजीव के प्यार की निशानी है। मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकती। मदद कीजिए, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालने की शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए कि मैं अपनी और इस बच्चे की दोनों की जान बचा पाऊँ।